ये खबर आपको थोड़ा अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन ये एक कटु सत्य है। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जहां घोड़ों की रेस जीतने और परीक्षा में पास होने के लिए लोग गिद्धों का दिमाग सिगरेट में भरकर पीते हैं। दरअसल यहां के लोग अपनी किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए गिद्धों के दिमाग को जलाकर उसके अवशेष को सिगरेट में भरकर पीते हैं। कहा जाता है कि ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि लॉटरी, घोड़ों की रेस जीतने के साथ साथ परीक्षा में पास हो सके। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि इसी अंधविश्वास के चलते यहाँ के हालात यहाँ तक जा पहुँचे हैं कि वन्य जीव विशेषज्ञों को आगाह करना पड़ा कि गिद्धों के साथ अगर ऐसी बर्बरता जारी रही तो दक्षिण अफ्रीका से उनका नामोनिशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर पारंपरिक दवाओं और अन्य वजहों से 20 से 30 सालों तक इन पक्षियों का इसी तरह शिकार जारी रहा तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वहीं एक तांत्रिक स्केलो ने इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा एक बयान भी जारी किया था, जिसमें उसने कहा है कि गिद्ध बहुत कम बचे हैं। 3-4 महीनों में मुझे एक गिद्ध मिल पाता है। सभी उसके दिमाग के बारे में पूछते रहते हैं क्योंकि गिद्ध वो सब कुछ देख सकते हैं जो आम प्राणी नहीं देख पाते। तांत्रिक ने बताया कि दिमाग को जलाकर सुखा देते हैं और फिर उसे कीचड़ में मिलाकर सिगरेट की तरह पीते हैं। वो लोगों को गिद्धों का दिमाग पीने का सुझाव देता है। उसका कहना है कि गिद्धों की नजर बेहद तेज होती है और वो वहां तक उड़ सकते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे गिद्धों के साथ इस बर्ताव के चलते वहां का शासन प्रशासन बेहद चिंतित है, लिहाजा यहां की सरकार गिद्धों की घटती प्रजाति पर रोक लगाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, storyhow.in। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर